गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे बच्चियां ने किया है कुराली शहर का नाम रोशन, नाल ही किया है अपने माँ बाप का माण दे नाल सिर उच्चा, नाल ही माण वधाया है अपने टीचर साहबाना का। एतिमान चैनल देख रहे सारे ही दर्शकों नू आर के कांगड़ा वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सो असी अज मौजूद हाँ सिसमा रोड गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दे विच, सो जिथे कि अज रिजल्ट आया है। सो रिजल्ट जानने दे लई आपां चलदे हां स्कूल दे अंदर। सो गल करदे हाँ टीचर साहबाना दे नाल, सो गल करांगे बच्चों दे नाल भी गल करांगे जिन्हां ने पढ़ाई दे विच अंक प्राप्त किए ने ते मल्लां मारियां ने। सो जिन्हां ने अपने माँ बाप का नाम भी रोशन किया है, सो स्कूल का नाम रोशन किया है ते नाल ही कुराली शहर का नाम किया है रोशन। दिखाने थानू सारी अगे की जानकारी, सो बने रहो साडे एतिमान चैनल दे नाल। मैडम की नाम है जी? मेरा नाम मंजू राठौर है जी। मंजू राठौर जी, सो मैडम किस स्कूल के तुसी प्रिंसीपल हो जी? सो जिदा अज बच्चों के जो अंक आए ने, किस क्लास के अंक आए ने जी, सो किस क्लास का रिजल्ट आया जी? मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल हैं जी। हमारे स्कूल का 10th क्लास का रिजल्ट आया, जिसमें 3 बच्चे हमारे बहुत टॉपर आई हैं जी, जिसमें से जो फर्स्ट है वो 95.2% है जी। जो सेकंड नंबर पर है वो 94.4% पर है जी। जो 3 नंबर पर है वो 93.7% पर है जी। सो जो मैडम यह जो स्कूल है हरकृष्ण पब्लिक स्कूल, एक किन की देख रेख के हेठ चलता है जी? ये सरदार दिलबाग सिंह जी की देख रेख में चलता है जी। हाँ जी, भी वो बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं हम सबको, और हर रोज़ जहाँ भी हैं वे रिपोर्ट उनके पास टाइम टू टाइम की होती है। कितना का एक्सपीरियंस रहा बच्चों के नाल? बच्चों के साथ हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन थे हमारे उनके साथ। सो बच्चों के साथ आपकी बात हुई होगी, सो बच्चों का आगे का मोटिव क्या है, ये कुछ आपने पूछा होगा बच्चों को? हाँ, वो बात हुई होगी बच्चों के साथ? हाँ जी, हमारे जो तीनों बच्चे टॉपर आए हैं उनमें से एक बच्चा जो IAS अफसर बनना चाहते हैं, जो दूसरी लड़की है वो इंजीनियर बनना चाहती है, जो 3 नंबर पर है वो CA की तैयारी करना चाहती है जी। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक यू जी। थैंक यू जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सारे नूं, प्यार भरी सत श्री अकाल जी। मैं स्कूल दे विच एज अ कोऑर्डिनेटर वर्क कर रही हाँ, मैं बच्चों की स्टडी वाल भी ध्यान दिंदी हाँ जी, और मैनू इस स्कूल नाल इस स्कूल का एक अंग बन के बहुत ज़्यादा माण महसूस होंदा है जी। मैं इस स्कूल दे विच 18-19 साल तो काम कर रही हाँ, और मैनू इस स्कूल ने बहुत माण महसूस कराया, क्योंकि साढ़े बच्चे कई सालों तो ब्लॉक लैवल से डिस्ट्रिक्ट लैवल से भी फस्ट आते रहे ने, और हूँ तक साडा माण बढ़ाते रहे हैं जी। सो जिस तरह के अज 10th क्लास के रिजल्ट आए ने जी, सो इस बारे की कहना चाहोगे जी? इस रिजल्ट ने भी सानू बहुत ज़्यादा मान प्राप्त होया, क्योंकि कोविड तो बाद बच्चे ने फिर भी इन्नी वधिया परफॉर्मेंस का सानू दिखाया है, सानू बहुत ज़्यादा मान महसूस होया भी कोविड तो निकलन तो बाद बच्चे उस विचों निकल सके ने जी। सो केड़े बच्चे हैं जी, किन्ने बच्चे अज इस 10th क्लास में तो किन्ने के नंबर के नाल अगे निकले ने जी? हाँ जी, साढ़े स्कूल की कोमलप्रीत कौल है, उसके फादर मैं थोड़ा दसा बहुत मेहनत करते पेंट का काम करते हैं, बट उस कुड़ी ने अपने माँ प्यो का भी स्कूल का भी बहुत वधिया नाम रोशन किया, 95.2% नंबर लेके स्कूल विचों प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सो किदा का लगता है जदों जी साढ़े जो मेहनत रंग लेके आती? एक्चुअली असं खुद इमोशनल हो जाने जो साढ़े बच्चे, क्योंकि सानू रात भर नींद नहीं आती, बच्चे तो फील करते ही होंगे, सानू खुद ही रात में नींद उड़ जाती है कि साढ़े बच्चों का रिजल्ट आना सवेरे जी। सो जो रिजल्ट आ जाता है जी, तो फिर उस टाइम मन में किन्ना क फिर भावुक होंगे हो, या फिर अंदरों खुशी होंगी है जी कि हाँ भी साड़ी मेहनत रंग ली है ना? हाँ जी, बोर्ड वालों 8 बजे का टाइम से, मैं 8 बजे तो 5 मिनट पहला लैपटॉप खोल के बैठे कि मैं अपने बच्चों का रिजल्ट देखना है, और मैं बहुत इमोशनल हुई जब मेरे सारे बच्चों का रिजल्ट 60% तो उपर और कुछ 90-80% तो उपर बच्चे आए, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। सो किन्ने बच्चे ने अंक प्राप्त किए ने जी? साढ़े जी 90% तो उपर 7 बच्चे ने जी, उस तो 80% तो उपर 14 बच्चे हैं जी। जो लड़के की उपरली रेंज के बच्चे ने, वह किन्ने बच्चे ने जी? उपरली रेंज के 3 बच्चे आए हैं जी, साढ़े 95% दे 0.2 दे विच फर्स्ट है, 94.4% दे विच सेकंड है, 93.2 दे विच
थर्ड आई है। सो तीनों लड़कियां ने जी? हाँ जी, तीनों लड़कियां ने बाजी मारी है जी। हर बार मोस्टली लड़कियां ही बाजी मार दी जी। बिल्कुल जी बिल्कुल, इस कोई दो राय नहीं है। हाँ जी, हर फील्ड दे विच साडे लड़कियां ही अग्गे जा रही ने हुण। बिल्कुल जी बिल्कुल, सही गल है। लड़कियां दा भाई देखा जांदा जी कि पढ़ाई दे विच बहुत ज़्यादा अव्वल ने जी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा अव्वल ने। सो की कहना चाहोगे जी होर बच्चों जी? असी बच्चों यही कहने कि जो समा लंघ चुकया, बहुत बुरा समा लंघिया, तुसी घरां दे विच बह के फोनां दे जिहड़े अडिक्ट हो गए सी, उस चीज़ तो बाहर आके अपने पढ़ाई वल ध्यान दिओ, क्योंकि जो चीज़ तुहानू लाइफ टाइम कम आनी है उस वल ध्यान दिता जाए जी। जो ये लड़कियां ने जो इन्ना टॉप किया, इन्ने अंकों के नाल इन्होंने प्राप्ति की अंकों की, सो ये लड़कियां जो कुराली शहर दियां ने, लागपास पिंड पिंड दियां ने जी। जिहड़ी कोमलप्रीत कौर फस्ट आई है जी, वह अपने कुराली मेन कुराली तो है जी। जी जो सैकेंड आई है अपनी मनप्रीत कौर सिंहपुरा पिंड तो है जी। जी जो थर्ड सानिया आई है जी, वह अकालगढ़ पिंड तो है जी। अकालगढ़ पिंड। हाँ जी, शुक्रिया जी, थैंक यू जी, धन्यवाद जी। जी की नाँ थोड़े, तो किस स्कूल के स्टूडेंट हो, तो किहड़ी क्लास दे विच तुसी पढ़दे हो? मेरा नाम कोमलप्रीत कौर है, मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल दी स्टूडेंट हाँ, अते मैं 10th क्लास दे पेपर दित्ते है जिहदे विच मेरे 95.2% आए है, अते मैं क्लास चो टॉप कीता है जी। सो अगे जो पढ़ाई है उस दे बारे की सोचदे हो, लाइफ दे विच की करन दी क्षमता रखदे हो, की करन दी कोशिश है? मैं ह्यूमैनिटीज़ रख के सिविल सर्विस ज्वाइन करके IAS ऑफिसर बनना चाहती हाँ, अते अपने देश की सेवा करना चाहती हाँ। पढ़ाई दे विच किहदा किहदा सहयोग रहा? टीचर्स, पेरेंट्स, खुद ही सैल्फ स्टडी। किन्नी क हार्ड वर्क सीगा, किन्नी क पढ़ाई औखी सीगी या सौखी सीगी? बस खुद एक मोटिव होना चाहिए कि असी उत्थे तक पहुँचना है, अते ओदे अकॉर्डिंग हार्ड वर्क करनी चाहिए है, अते स्कूल चो जो होमवर्क मिलता है ओनू कंप्लीट करके ही मेरे इन्ने परसेंट आए है। की नाम है थोड़ा? मेरा नाम मनप्रीत कौर है जी। सो किन्ने नंबर आए थोड़े 10th दे विच? मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल कुराली दी स्टूडेंट हाँ, और मेरे 10th दे विच 94.46% आए हैं। सो जो थोड़े ये नंबर आए है, इन्ने तुसी वधिया अंकां दे नाल तुसी इन्ने अंक तुसी हासिल कीते है, सो इहदा जिहड़ा श्रेय है किहनू देना चाहोगे? मैं इहदा श्रेय अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स नूं देना चाहुंदे हां, बिकॉज उहनां दी हार्ड वर्क करके अज मैं इत्थे खड़ी हाँ। सो लाइफ दे विच की है मोटिव अगे? मैं अगे नॉन मेडिकल रख के इंजीनियर बनना चाहनी हाँ। इंजीनियर बनना चाहते हो तुसी? सो फिर अगे पढ़ाई का पूरा पूरा प्रबंध है? हाँ जी। तो किस क्लास दे विच तुहाडे किन्ने अंक आए ने? मेरा नाम जी सानिया, मैं गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल विच पढ़दी हाँ, तो मैं 10th क्लास पास कीते ते मेरे 93.7% नंबर आए हैं जी। सो ये नंबर का किनू देना चाहोगे श्रेय, जो इन्नी तुसी चलो मेहनत की है इत्थे तक पहुँचे हो, ये पूरा श्रेय किनू देना चाहोगे? मेरे टीचर्स एंड मेरे पेरेंट्स। दा एक्सपीरियंस रहा पढ़ाई दे नाल? बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा, साडे टीचर्स बड़े हार्ड वर्किंग सी। सो फिर की मोटिव अगे लाइफ दे विच? मैं जी सी ए कॉमर्स करके CA बनना चाहती हाँ। CA बनना थोड़ा मोटिव है? सो फुल फोकस ओदे उत्ते ही है? हाँ जी। सो की कहोगे उन्होंने बच्चों को फिर जोड़ो जोड़े पढ़ाई के वीक ने, उन्होंने किस तरह किस चीज़ की नॉलेज लेनी चाहिए है, किदा उन्होंने स्टडी करनी चाहिए, किदा पढ़ाई करनी चाहिए है? उन्होंने जोड़ा तो स्कूल तो होमवर्क मिलता उसको भी कंप्लीट करना चाहिए, तो सैल्फ स्टडी भी करनी चाहिए है। शुक्रिया, थैंक यू।